एक नॉर्मल सा मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने 36 लेनी, कॉमा प्रेस किया, वो भी 36, 36 मतलब स्क्वायर शेप हो गई ये, इनमें दोनों इक्वल है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा। अब 36 है, मैं 4 × 4 का स्क्वायर इधर बना देता हूं। अब मैं कमांड यूज करूंगा AR, AR सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर कर दो यहां से रेक्टेंगुलर। अब देखिए कि AR कमांड में जो हम एरे करते हैं वो होता है एसोसिएटिव मोड पे होता है। इसमें आपके जो ऑब्जेक्ट बनेंगे सब सिंगल ऑब्जेक्ट ही रहेंगे। जब तक तो आप इसको एसोसिएटिव मोड में डिफॉल्ट यस ऐसा है, आप इसको नो कर देंगे आप इसको नो कर देंगे। फिर इसके बाद तो बेस पॉइंट क्या होता है कि ये यहां से जो बनता है ऑब्जेक्ट, इसको बेस पॉइंट बोला जाता है, ये ग्रिप पॉइंट है ना ये, इसको। फिर हम काउंट में जाते हैं, काउंट में आपको डिफॉल्ट, अब नॉर्मल से बता दीजिए सिद्धार्थ, रो कौन सी होती है, कॉलम कौन सा होता है? रो कौन सी होती है? रो ऐसे चलती है ना लाइन ऑफ सीध में, वो तो होती है रो, और ऐसे खड़े खड़े चलते हैं वो कॉलम होते हैं। और सबसे कॉलम ऐसे रो नहीं है, रो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल होती है जो रो होती है, वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। अब यहाँ पर मेरे को देखिए कि 36 था और मैंने एक स्क्वायर लिया 4 का। अब मेरे को इसके अंदर 36 है और 36 का 4 से डिवाइडेशन करके कितने ऑब्जेक्ट बन जाते हैं? नो, तो नो आइटम दे देते हैं यहाँ पर, कॉलम नो हो जाएंगे। अब रो भी इक्वल ही रहेगी, रो भी 9 ही रहेगी ना। अब आपको देखिए कि काउंट के बाद हम जाते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग के अंदर आपको डिस्टेंस पूछेगा, अब डिस्टेंस कितना आएगा उधर? बोलिए। जब प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब ऐसा ही चलेगा। हाँ बताओ, कॉलम में डिस्टेंस होता है वो। How long बीच का डिस्टेंस? हाँ ओके। दो किसने बोला था? समझो दो स्पीकर किस द्वारा, मैं बता दो बात को, अभी तक मैं ये दो लिख दिया हूँ। बिल्कुल जी रहेगा, निशांश इक्वल ही रहेगा वो। इसमें डिस्टेंस नहीं रहेगा, बट ऑब्जेक्ट की जो साइड है ना वो डिस्टेंस तो देना ही पड़ेगा। बीच में गैप तो नहीं आएगा कोई भी, बीच में गैप तो रहना ही नहीं है, क्योंकि नौ आइटम दिए थे तो 4 के आइटम एक बन रहा है, तो 9 को 4 से गुणा करते हैं तो 36 आता है। तो बीच में आपको डिस्टेंस, अब यहाँ पे डिस्टेंस 4 तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसके जस्ट पास में पास बनेगा में ऑब्जेक्ट, बनेगा, पास में बनेगा। तो 4 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस बिटवीन रो आ रहा है ये अब नेगेटिव में चलेगा, यहाँ पे वाई नेगेटिव चलेगा, नीचे बनाना हमको, तो ये माइनस का 4 रहेगा। इस तरीके से डिस्टेंस तो नहीं रहना चाहिए, बस बीच में जो ऑब्जेक्ट की साइड है ना वो देनी जरूरी हो गया। हाँ कॉलम के बीच में से 4 दिया है, 4 तो एक्चुअली खुद की सही है, वो देनी ही पड़ेगी ना, अगर नहीं बीच वाले नहीं देनी। बीच में, अगर आपको गैप चाहिए बीच में, तो फिर वो 4 वो कॉलम की साइज, वो बीच में आपको एक ही जगह एक और काउंट कर दीजिए, 5 हाँ वैसे होगा। ठीक है,
अब मैं यहां से एग्जिट कर देता हूँ, मैं बाहर आ गया। अभी देखो ये पूरा एंगल एक सिंगल है, अब मैं इसको ना तो ट्रिम कर सकता हूँ, ट्रिम भी नहीं होगा। अगर इसको ट्रिम वगैरह कुछ करना होगा तो पहले तो आप इसको एक्सप्लोर करो, अलग अलग करना पड़ेगा आपको। और अभी मैं इसको एडिट भी वापस कर सकता हूँ, उसके लिए कमांड है एरे एडिट। वापस मैं रो कॉलम सब चेंज कर सकता हूँ, रो मेरी 9 है मालूम है, इसकी का 5 कर देता हूँ, डिस्टेंस 4 का आ रहा है, मैं मान लो 5 का डिस्टेंस कर देता हूँ, प्लस में हो गया, कोई माइनस देना पड़ेगा आपको। कॉलम का डिस्टेंस वैसे मान लीजिए कि कॉलम जो 9 है वो मैं 5 कर देता हूँ, डिस्टेंस 4 का मैं 6 कर देता हूँ, वो हम चेंज कर सकते कैसे भी करके। इस एरे में तो हम चेंज कर सकते हैं, बट जो हम एरे वो वाला करते हैं ए आर से, उसमें आपको पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो होगा ही नहीं, हो जाएगा फिर आपको गलत हो गया तो वापस आपको हटाना पड़ेगा, वापस बनाना पड़ेगा, क्लियर? हाँ इसको एडिट करने के लिए एरे एडिट कमांड टाइप करोगे तो वापस सेम की सेम सेटिंग तो ओपन हो जाती है। अब इसी के अंदर आपको देखो, ये तो था मेरा रेक्टेंगल एरे, और मेरा स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर में पता है कि हमको एरे चल जाएगा, बॉर्डर भी चल जाएगा, स्क्वायर में चल जाता है, इक्वल सेंटर होता है ना, दो मैट्रिक्स सेंटर मिल जाता है इसके अंदर आपको। अब सर्कुलर शेप हो, मैंने रेंडम लिया है, कोई मेजरमेंट नहीं दिया मैंने इसका, और मेरे को इसी का ए आर कमांड से पॉलर एरे करना है। अब इसको डिफाइन सेंटर कर दीजिए, डिफॉल्ट आपको 6 आइटम दे गई। अब इसमें आपको इसमें भी एसोसिएटिव मोड आएगा। अब इसमें आपको आइटम आप चेंज कर सकते हो, कभी भी कम ज्यादा कर सकते हो, जब तक तो आपकी कमांड ये ओके होगी, तो बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको एसोसिएटिव मोड यस रहेगा तब। अभी 6 आइटम आ रहे हैं, मान लो मेरे को 9 चाहिए, 9 हो जाएंगे। मान लो मेरे को 12 चाहिए तो 12 हो जाएंगे। मान लो कि मेरे को 3 ही चाहिए तो 3 भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको जैसे चाहिए वैसे आप लिख सकते हो। अब एंगल बिटवीन मतलब कि एक दो ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 120 का, 120 डिग्री का। आप चाहो तो 60 डिग्री का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो 60 के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। वो एक टर्की वाली इमेज थी ना, उसमें हम एंगल पूरा डाल सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग, इतना एंगल ही मेरे को रखना है ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट उतना क्रिएट कर दो और उसके अकॉर्डिंग डिफाइंड एंगल कर दो आप, वो अपने आप सेट हो जाएगी। फिल एंगल 120 डिग्री के अकॉर्डिंग ही बता रहा है, मान लो मेरे को 180 में 3 ऑब्जेक्ट चाहिए, ये हो गए 180 के अंदर।
90 में चाहिए तो 90 में भी दे सकते हो आप यहाँ पे, है ना, वो अपने आप सेट हो जाएंगे। और इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ, एक तो एयर एडिट कमांड लगा करके और एक इसमें डबल टैप करो। अब आपको क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉक चलाना है, देखो दोनों साइड हो जाती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलती है। एंगल 45 डिग्री एक के बीच आ रहा है, मान लो मेरे को चाहिए 90 का एंगल चाहिए, मान लो अपन आप सेट हो जाएगा वो। फिल एंगल 180 दे देते हैं, नहीं सब 270 दे देते हैं। हाँ यहां पर दे देता हूं 90 डिग्री, यहां दे देता हूं मान लो, वो अपने अकॉर्डिंग काउंट करेगा जितना एंगल चाहिए। तो रोटेट आइटम यस कर देंगे, नो करेंगे तो अपने मन से ये रोटेशन होगा, तो नो करूंगा तो यस में सही चलेगा, नो में अपने यूज के अकॉर्डिंग घूमेगा, जरूर इससे भी है बट एक पर्टिकुलर सेंटर से नहीं घूमेगा फिर ये। हाँ तो ये आपका एआर कमांड में पॉलर एरे से होता है, ठीक है। आप इसमें रो कॉलम सब चेंज कर सकते हो, इस रो कॉलम इसमें नहीं आता है, उसमें आता है, और मैंने इसमें चेंज करे थे इसलिए इतने सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ये तो आप देख लेना। एक हमारा एक और एरे चलेगा, वो लास्ट एरे इसके अंदर आता है, उसको बोलते हैं पाथ एरे। कैसा भी पाथ क्यों ना हो, जैसे इसको मैं ज्वाइन करूंगा पाथ को, नॉर्मल सा मैंने कुछ क्रिएट किया, बाद में अब इसको एआर कमांड लेता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, एंटर करके यहाँ से पाथ ले लेता हूँ, जैसा सेफ हो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा ऑटोमेटिक। रैंडम आपको क्रिएट करना है तो इस ग्रीन पॉइंट से इसको आप बना कम ज्यादा कर सकते हो। पूछता है यानी कि बैठे पड़े सारे। अब इसमें मेथड दो चलते हैं, अब प्रेम जी नाम के प्रकाश जी, डिवाइड और मेजर में डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड को मेजर में डिवाइड का तो मतलब डिवाइड कितने को आ रही है और कॉलम वाइज रो वाइज डिवाइड में कहाँ काम आते हैं, कॉलम रो डिवाइड मेजर क्या होता है, तो डिवाइड में क्या अर्थ करते हैं कि ऑब्जेक्ट के पार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट के पार्ट नंबर ऑफ पार्ट देने पड़ते हैं आपको, कितने पार्ट करने हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए सर्कल इलिप्स कोई भी एट विजेट कोई भी ऑब्जेक्ट लो वो डिवाइड से होगा। मेजर में क्या होता है कि आपको फिक्स लेंथ देनी होती है, कितने पार्ट इतने डिस्टेंस भी मेरा एक पॉइंट लगना डिवाइडेशन होना चाहिए इस मेजरमेंट से, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगे आपको, अभी मेरे को डिवाइड मेजर अभी डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड अपने ऑटोमेटिक ये पॉइंट ले लेगा, इसमें बीच में सब में डिस्टेंस इक्वल है, अभी रैंडम आर्क था इसमें इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट लगे हुए हमारे। और यही मेथड में मान लो मेजर से ले लूं तो अब आप पे है ना आइटम लोगे, आइटम में पहले तो दे दोगे आप डिस्टेंस बिटवीन आइटम जितना आपको चाहिए, मान लो मेरे को 5 का डिस्टेंस चाहिए तो हर दो एक ऑब्जेक्ट के बीच में गैप 5 का आएगा, ऑब्जेक्ट बन रहे 31 मेरे को चाहिए 15 तक ही, बाकी वाले छोड़ देगा ये। आइटम पे पहले डिस्टेंस पूछेगा आपसे जितना डिस्टेंस देना है, मान लो मेरे को 2 का डिस्टेंस चाहिए तो पास में आ जाएगा, और
मतलब कि इस बेस पॉइंट से इस बेस पॉइंट के बीच में गैप है वो 2 इंच का। फिर अभी तो आपको ज्यादा चीज ज्यादा लिख दो, ज्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ तक। गैप मेरे को 6 का चाहिए तो 6 दे दूंगा मैं यहाँ पर, ये और बढ़ गया गैप। जैसे आप करोगे उस तरीके से ये सेटअप हो जाएगा। बाद में इसको बाद में भी ये एडिट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? तो ये ए आर और डीएस ए आर में होता है डिफरेंट। अब आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा एलिप्स। एलिप्स के लिए कमांड ई एल होती है। फर्स्ट एक्सिस एंड पॉइंट, अदर एक्सिस एंड पॉइंट और डिस्टेंस। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि आप बनाए किस पॉइंट से है इलिप्स। अगर वो आपको पता होगा तो आप इसमें कैसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक बार यहां बना दिया और एक सर्कल यहां बनाया। अब मैं कमांड ए आर ही लगाऊंगा। अब देखिए यहां से करा तो ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं। इसमें क्या है ना, हमारा पॉइंट है ना वो सही नहीं लेता। अब इसको एरिया आपको इस पॉइंट से करना पड़ेगा जहां से हमने क्रिएशन करा था। ये देख रहा हूं, ये यहीं से होगा। अब मैं यहां पर ऑब्जेक्ट ना मेजर से कर रखा, मैं डिवाइड से कर दूं चला है ना, डिस्टेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और देखो यहां पर भी मैं नो करता हूं, नो करूंगा तो भी चलेगा। एक तो मेरा यहां पर ये एरिया हो रहा था, एक मैं ऑब्जेक्ट यहां बनाता था सर्कल, इधर बनाया ऑब्जेक्ट मेरा ये है। वैसे मैं इसके रिगार्डिंग इसको यूज करूंगा, कमांड ए आर ही रहेगी। वो अपने मन से ही घुमा दे वही है ना। अब यहां पर मैं अलाइन विद आइटम आ रहा है, यहां से मैं कर दूंगा नो। इसमें क्या होगा कि आप जैसे ऑब्जेक्ट को आपको शेप है उसके अकॉर्डिंग ये बना देगा। आइटम ज्यादा चाहिए था ज्यादा कर दो। सेव ये है, ऑब्जेक्ट ये बन रहा। ठीक है,